आज की जो महफिल हमने यहाँ पे सजाई है, पहले तो उसकी एक वजह थी, फिर काफ़ी वजूहात माशाल्लाह उसमें ऐड होती गई। इर्तिका की तमाम जो है एक्टिविटीज़ की जान रहते हैं जनाब। मुल्तान की शान है आप, इर्तिका की जान है आप, स्टडी ग्रुप की आन है आप, और हम सब की आंखों के तारे ख्वाजा मरियम नवाज सिद्दीकी साहब। सब एक नारा लगा दे, ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबीयिल करीम। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। काबिले एहतराम मोअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, आप सब, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नज़र दर नज़र यूं तो चेहरे बहुत हैं, नज़र दर नज़र यूं तो चेहरे बहुत हैं, मगर कैसे कह दूं तुमसे बहुत हैं। मेरे लिए ये फ़ख्र की बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा आजजी की बात है कि रब ने मुझे वसीला बनाया और इतना खूबसूरत गुलदस्ता असल में रब ने ही सजा दिया है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह का ही करम है। सिर्फ इसी बात को ले लीजिए एडी जेड साहब, कि मैं यहाँ एक छोटी सी टेबल बुक करवाने रात को आया था, मेरे साथ शायद ग्रुप से मलिक साहब थे, कल हम यहाँ टेबल बुक करवाने आए और वो मुझे बता रहे इस यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, कितने को हो जाएंगे। मैंने कहा 20 लोग हो जाएंगे। तो हम टेबल लगाते लगाते वो इस कमरे में लेके आया, ये सेटिंग ऐसी पड़ी हुई थी। मैंने कहा इसको ना छेड़ना, मैं दुआ करता हूँ 48 हो जाएंगे, मैं दुआ करता हूँ 48 हो जाएंगे। मैनेजर कहता है आप 20 कह रहे थे, मैंने कहा यार ये कितने हैं, कहता है ये 42-45 हैं। मैंने कहा हो जाएंगे इंशाल्लाह, रात रात में हो गए। हम तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, घर का सरबराह ही अगर इज्जत नहीं करेगा तो। हम सब फैमिली हैं, ये अहद कर रहे हैं, हम सब एक दूसरे के साथी हैं। आप सब की आमद का शुक्रिया, मरियम गाजी, साइमा अली, करीम हैदर, आसिफ फतीक। आसिफ फतीक साहब ज़रा खड़े हो जाएं सर जी। हमारे पास ना स्कूल में प्रिंटर नहीं है जी, प्रिंटर नहीं है, फोटो स्टेट में छोटी बुनियादी चीज़ें नहीं हैं, तो 300 पेपर मुख्तलिफ निकालने होते हैं प्रिंट। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, तो मेरा मशहूर सिद्दीकी उसकी जिम्मेदारी लगाई, वो कोऑर्डिनेटर है स्कूल का, ये प्रिंट उससे निकलवा लो। तो मुझे कहता है बाबा वो नाराज़ तो नहीं होते होंगे, इतने सारे प्रिंट उनके प्रिंटर से 300 निकलते आज इस पेपर के, आज उस पेपर के। मैंने कहा यार उनसे पूछ लेना। फिर मैंने इसे कहा कि मैं मशहूर सिद्दीकी तुम्हें बताऊँ, स्टडी ग्रुप में जितने लोग हैं ना उनके माथे पे बल नहीं आती, बल नहीं आती। और ये आसिफ फतीक उन लोगों में से हैं जो आपको बुरा नहीं कहेंगे। फिर मैंने एक दफ़ा इन दोनों को आमने सामने बिठा के बात करवा दी, उन्होंने कहा नहीं आप 300 हैं, 600 प्रिंट भी एक वक्त में निकाल लो मेरे ऑफिस में, मैं निकाल के दे दूंगा। मैं मरियम गाजी का, साइमा अली का, ज़ुबैर अरशद साहब की बड़ी मेहरबानी। ज़ुबैर साहब ज़रा अपनी शक्ल तो दिखा दें, मरियम आपने शक्ल दिखाई है सबको जी, शुक्रिया। मरियम गाजी मास्टर किया हुआ है, बहुत अच्छी राइटर्स हैं, और हम 1990 से एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ रखे हुए हैं और बिल्कुल सगे बहन भाइयों वाला ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी। ज़ुबैर साहब ज़रा खड़े हो जाएं, ज़ुबैर अरशद साहब हैं, आप इनको देख रहे हैं, यकीन करें ये अब इनकी, मैं एक साल से इनके पीछे था, मिनते ये हमारे ऑफिस सेक्रेटरी भी रहे हैं, राबता सेक्रेटरी भी रहे हैं। मैंने कहा सर ये हमारे पास फंड्स आते हैं, इसको एक प्री एडिट तो कर दिया करें। अब ये माशाल्लाह प्री एडिट कर रहे हैं, पिछले महीने का भी हिसाब इन्होंने दिया कि हमने 40,000 रुपये जेब से लगाया, हमारे पास वसाइल नहीं थे, 1,08,000 रुपये हमने खर्चा किया था, हमारे पास मेरे ख्याल में 28,000 80,000 रुपये हमारे पास इकट्ठे हुए थे। तो ये अब माशाल्लाह, अब आपने आके दिसंबर का इन्होंने आज करना था, इदारे में इनकी क्लोजिंग है इस वजह से नहीं आए, इनके लिए भी क्लैप कर दीजिए। जाम तनवीर साहब हैं, ये हमें अल्लाह की मखलूक कहाँ कहाँ से अल्लाह ने भेज दी, रहीम यार खान से स्पेशल आए बैठे हैं आज, सर खड़े हो जाएं सर, आपकी मेहरबानी सर, रहीम यार खान साहब। और ये हमारे वो साथी हैं जो अक्सर इवेंट्स के लिए रहीम यार खान से स्पेशल आते हैं, इनका अपना स्कूल है, यहाँ से मास्टर के एसएसएस की तैयारी भी करें। फहीम चुगताई साहब बैठे हैं, ये ताज़ा शादीशुदगान में शामिल हुए हैं, तो हाँ जी ये लेट इसलिए आए भजन, मिनते बहुत करनी पड़ी घर से, उसको शक था ये बंद सवर के कहाँ जा रहा है। सर इनके लिए क्लैपिंग, ये हमारे स्कूल के बोर्ड में शामिल है। आसिम मुल्तानी साहब आप जरा एक दफ़ा फिर खड़े हो जाएं। आसिम मुल्तानी की खूबी यह है कि ये हर जुमे को, हर जुमे को ये स्कूल आता है और बच्चों को 1 घंटा पढ़ाता है, 1 क्लासरूम में जाना हो 2 में, उनको एथिक्स और उनको क्या सिखाते हैं सर,
मैनर्स सिखाते हैं और एथिक्स मैनर्स एटिकेट सिखाते हैं, इनका शुक्रिया। मशहूर सिद्दीकी का तो मैं बार बार जिक्र कर ही रहा हूँ, बेटा खड़े हो जाओ। मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मगर ये सुबह, अल्लाह इसको जजाय खैर दे, आज भी जब इसका नाम लिखने तो मैंने इमरान साहब कहा कि इमरान साहब मेरा नाम आप जहाँ मर्जियाँ लिख दें, ऊपर ना लिखिएगा मशहूर सिद्दीकी का सबसे आखिर में। इन्होंने कहा ये उसका आखिर में क्यों लिखूँ, मैंने कहा इसलिए ये सबसे छोटा भी है और फिर हज़रत उमर की सुन्नत भी है ना, वो भी पूरी करनी है रज़ी अल्लाह अन्हु। वो कहते मेरे बेटे को बाहर बिठाना है, उसकी राय नहीं लेनी। तो ये बच्चा अल्लाह इसको जजा खैर दे, जब से इसको स्कूल की जिम्मेदारी ली है इसकी सिंगल छुट्टी भी नहीं है उसमें, मेरा बेटा है जो ले नहीं सिंगल छुट्टी। सर बाकी तरवीर साहब आए बैठे हैं, ये शौक से आए हैं, ये हमारे स्टडी ग्रुप के मेंबर आज से बनेंगे, ये साइकिलिस्ट हैं। एडी अकेला जाता था जी पूरे पाकिस्तान में, तो इसको मैंने कहा कि सैर और सफ़र कभी अकेला नहीं करना चाहिए, हमने किताबों में पढ़ा है, आप अपनी टीम बनाओ। अब ये माशाल्लाह तीन लोगों के साथ जाता है, तनवीर साहब भी उसमें शामिल हैं, ये भावलपुर सुखा से ही आए हुए हैं। ठीक है सर, आज़म अली साहब खड़े हो जाएं सर, आपकी मेहरबानी। ये फ़कीर दरवेश हमें अल्लाह की तरफ से मिला है सर, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हेड हैं सर, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हेड हैं और स्कूल को भी इस वक्त देख रहे हैं। इस वक्त हमने ये बाकायदगी से हर हफ्ते को हमने इनके लिए हफ्ते की छुट्टी ख़त्म कर दी है, ये तशरीफ़ लाते हैं और ये बच्चों से गुफ्तगू करते हैं और पूरे स्कूल को अल्हम्दुलिल्लाह यही देख रहे हैं। कलीम हैदर साहब को आपने देखा है, वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं सर, आप तो यहाँ आ चुके हैं, खड़े हो जाएं सर एक दफ़ा फिर देख लेंगे। ये हमारा अफसर भी है जी हमारा, बड़ा मेरी जाल में कोई इतना तंग नहीं करें जितना ये मेरे को तंग करें। हाँ जी, तो इनका बहुत शुक्रिया। आसिम साहब आए बैठे हैं, इन्होंने ये जो आगा खान के साथ मिलकर हमने कैंप लगाया था, ये नहीं सर खड़े हो जाना आप। आसिम साहब का एक पाँव मुल्तान में होता है, एक पाँव किसी और शहर में होता है, तो ये रीजनल ब्लड सेंटर, ये जो हम मुख्तलिफ औकात में खून जो लोगों को मुहैया कर देते हैं स्टडी ग्रुप के मेंबरान को, हमारे इनके साथ ज़ुबानी MOU साइन हुआ है कि हमें जब एमरजेंसी में जरूरत पड़े तो सर वाकईतन दरवेश आदमी है, ये अल्लाह की तरफ से अता हुआ है हमें, तो ये हमारी मदद करते हैं, तावन करते हैं, बहुत शुक्रिया सर। मुफ्ती शौकत साहब जो हैं, दो शादियां हो चुकी हैं इनकी, तीसरे के ख्वाहिशमंद हैं सर, थोड़ा शक्ल दिखाएं। और इनकी जब दूसरी शादी थी तो इनका मैं गया हुआ था किसी और शहर में पढ़ाने के लिए, फ़ोन है सर मसला बन गया है, मैंने कहा इसको तो आज निकाल दिया, मसला क्या बन गया, किसी डॉक्टर की तो ज़रूरत नहीं है गेम की, कह नहीं जी पुलिस घर आई खड़ी है और मेरे जो पहले सावरे ने पुलिस बुला ली। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, ये ऐसे लोग ही हमारा असल में सरमाया है, यानी हमारे पास ये नहीं है तो सरमाया इसलिए है कि हमारे पास जब कभी कोई ग्रुप में अच्छा जिनकी एक एक शादी उन्होंने तालियां बजाई तो इनको अल्लाह जजाय खैर दे, हमारे पास ये बड़ा अच्छा बड़ी खूबसूरत रहा है, जज्बाती हैं थोड़े से, इंशाल्लाह ताला अब ठीक हो जाएंगे क्योंकि पहले एक खातून कर दूसरी करेंगे। अल्लाह आपको जजाय खैर दे सर। प्रोफेसर जुनैर साहब जो हैं वो हमारी जाने महफिल हैं सर, शमा महफिल हैं सर, खड़े होना सर, लोगों ने देखा नहीं आपको सर, ये हमारे बहुत कीमती साथी हैं, बहुत कीमती साथी, वो जो हमारी 15,000 की दो कमेटियां हैं सर, उसको लीड करते हैं, उसको देखते हैं, और एक 50,000 वाली उसको मैं और डॉक्टर कदीर राना देखते हैं सर, बहुत शुक्रिया। 1,80,000 रुपये हर महीने हमारे किसी रुकन को चले जाते हैं सर, हाँ जी उसके 8,00,000 जाते हैं। रिजवान यूसुफ साहब सर, आपको जब कभी एयरपोर्ट जाना हो, किसी बैरून मुल्क जाना हो तो सर बहुत काइंड हैं, आके दरवाजे से लेते हैं और दरवाजे तक अंदर जहाज तक छोड़ के, बहुत बहुत। सर वकास इलियास साहब, ये नून लीगी हैं, बस कोई बंदा PTI का हो तो ये उसको पढ़ जाते हैं वहाँ तो लोहे का कारोबार करते हैं और हमारे बहुत अच्छे साथी हैं और थोड़ा थोड़ा कम आते हैं, इनका ख्याल है क्योंकि जो ताजर होता है ना वो, सर डॉक्टर साहब आपको बता रहा हूँ, ताजर बिजनेस मैन है वो वैसे ही संदूक को ताला लगा के रखता है, तो इसलिए घबराते हैं मेरे ख्याल में आगे आने से कि कहीं हम इनसे चंदा ना मांगे, मगर हमने कभी किसी से ज़ाती अपील नहीं की अभी तो सर बहुत। साजिद इकबाल शुजरा साहब हैं, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे स्टडी ग्रुप में हैं, प्रिंटिंग के काम से वाबस्ता हैं और पुलशवाला में जब आपको शादी कार्ड छपाना हो प्रिंटिंग तो सर बड़ी खदमात देते हैं, है नहीं भाई, वो तो उसका कार्ड नहीं छुपाना पड़ता बल्कि छुपानी पड़ती है। कासिम अंसारी साहब के जिसके होने से हमारी मजलिस बड़ी हुई है सर आज, और मैं जब जाऊंगा तो मैं चाहूंगा कि हमारा जो वोट ऑफ थैंक्स है वो ये कहेंगे सर, मेरी ख्वाहिश है सर, मैं इनको मुल्तान का तौसीक हैदर कहता हूँ, इल्मी घराना है, और डॉक्टर असलम अंसारी साहब जिस पाकिस्तान के सबसे बड़े अदीब हैं, गज़ल में, फ़लसफे में, बहुत बड़े नसर में भी, हर चीज़ में बेताज बादशाह हैं वो, उनके साहब वो इम्तियाज़ इनका अलग है, उसके अलावा ये ख़ुद भी बहुत बासलाहियत है, मैं भी बाद उगा लिखते लिखते कहीं घबरा जाऊँ तो मैं इनसे सलाह लेता हूँ कि ये बात समझ नहीं आ रही, तो ये मेरी मदद करते हैं। अरफाज़ ज़हूर साहब हैं, मुल्तान का घंटा घर मशहूर है, ये वहीं होते हैं सर, इनकी बड़ी मेहरबानी है, किसी को नए नोट लेने हो या दुल्हे ने वो लेना हो ऊपर कुल्ला लेना हो, हार लेना तो फूलों के हार दे, ये आपकी सेज भी सजा देंगे बस
इनका बिजनेस है यही। सर डॉक्टर साहब घंटाघर चौक में हाजी बरादरी जाना है। अच्छा जी, हाँ जी, वो सारे काम हो रहे हैं कार्ड छापने वाले। हाँ जी, अमजद साहब बैठे हुए हैं। सर सर अमजद साहब हमारे दोस्त हैं, ये तीसरा इवेंट है, तशरीफ ला रहे हैं, स्कूल के में भी तशरीफ लाए। अब मैं ये नहीं बताना चाहता ये किसके खामंद है, वो आपको खुद पता चल जाएगा। मैम शाबानो, सैयदा शाबानो हैं, ये इनको देख के ही बंदा खुश हो जाता है, अब बहुत बासलाहियत है। पीछे नाजिम मिसान साहब, आप जरा यहाँ आ जाएं। ये कैंट में ट्रेनिंग का काम करता है और ये बच्चा मुझसे पब्लिक स्पीकिंग में तकरीर सीखने के लिए आया था। ये हमारा बेटा काबिल फ़ख्र तो मुझे मशहूर सदीकी मुझे बताता है, मशहूर सदीकी, बाबा नाजिम मिसान जैसा बंदा स्टडी ग्रुप में नहीं है। मैंने कहा वो कैसे? कहता बाबा आप कहते भी नहीं है, बाकियों को आप कह रहे होते हैं। ये भाग भाग के राशन उतार रहा होता है, राशन रख रहा होता है, और ये दूसरों को बिठा रहा था, खुद खड़ा हो रहा था वैगन के ऊपर। ये बहुत मेहनती बच्चा है और इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए जी। सर फारूक मलिक साहब, आपका तारुफ हो गया सर। हाँ जी, आ जाए, मेरा बड़ा बेटा भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। बेटा खड़े हो जाओ, ये मेरा बड़ा बेटा है जी। इसकी पैदाइश जब हुई थी, मैं कैंसर को फेस कर रहा था, सर्वाइव कर रहा था, और वो मैं मुझे याद है कि मुझे उस वक्त बोलना भी बंद हो गया था मेरा। तो मुझे मेरे डॉक्टर्स ने कहा था कि इसको औलाद भी नहीं होगी और ये 8-10 काम नहीं कर सकेगा और इसकी लाइफ जो है 2.5 साल है। तो ये मेरा बेटा उस वक्त था और आज मैं अपने इस बेटे पर फख्र करता हूँ कि इसने मुझे कमी नहीं महसूस होने दी कि मेरा कोई बेटा नहीं है, ये मेरे घर को संभालता था। तो शायर सदीकी को, आपको कभी भी ज़िंदगी में प्लास्टिक फर्नीचर चाहिए हो या फर्नीचर लाइन की कोई भी बात हो, मेरे बेटे का शोरूम है कचहरी रोड पर बाबर ऑडिटोरियम के सामने, तो ये आपकी खिदमत करेगा इंशाल्लाह, ऐसे जैसे मैं करता हूँ। राजीव भुट्टो साहब बहुत शुक्रिया। मलिक साहब आपका जिक्र मैंने कर लिया है, ये पायनियर हैं और शुरू से हमारे साथ हैं। ये 2000 में मेरे पास साइकिल पे मुझे मिलने आए थे और इनका इनामी खत लग गया था फूल में। एडी जट साहब, जो सर आप जरा खड़े हो जाएं, अजहर महमूद शेख ने किताब लेने के लिए इनको मेरे पास भेजा था और मैंने इन पर कब्ज़ा कर लिया। तो ये बुक लवर भी है, बहुत ही अच्छा फरिश्ता सिफ्त इंसान है। हमने इसको राशन का काम जो है ना, मलिक यूसुफ साहब की मामले से इनको दिया हुआ, ये करते हैं उसको। तो एडी जट के लिए भी बहुत ज़्यादा तालियां था। आसिफ उदीक साहब, आपकी शक्ल तो नहीं देखी इन्होंने, ज़रा खड़े भी हो जाए। सर ट्रेडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ये भी घंटा घर में इनका ऑफिस है और तारीखी जो बिल्डिंग है उसके साथ ही बिल्कुल इनका ऑफिस है, वहाँ अस्पताल बन गए वाई डी ओ, उसके साथ ही है वाई सी डी ओ पे। सर बहुत शुक्रिया। साइमा अली, आपकी शक्ल तो सबने देख ही ली है। राना साहब, आप हमारे भतीजे भी बैठे हुए हैं, ज़रा खड़े हो जाएँ। भतीजे हैं सर? हाँ जी, ये हमारे पास दूसरी दफ़ा यहाँ शंगरेला में आ रहा है, सर पहले भी आए थे जब तशरीफ लाते। इनका भी क्लैपिंग कर दें। बेटा पूरा नाम क्या है? नबील मुसव। ये तो पटवारी साहब का बेटा है, अब तो नायब तहसीलदार हो गया। अच्छा है ना, ठीक है ठीक है, जजाकला मेहरबानी साहब, शुक्रिया। कासिम सर साहब आपका हो गया, आपका हो गया, आपका हो गया, कौन रह गया सर बाकी? हाँ जी, नहीं सर नहीं, एक मिनट है, ये दो तो मेरे हीरे हैं सर, हीरे हैं। खुरम सर साहब, राना तारिक इकबाल साहब बैठे हुए हैं, अल्लाह इनको सर खड़े हों। राना, ये इर्तका जो नाम है ना, राना साहब का दिया हुआ सर नाम इनका दिया। मुफ्ती अजीज़ुर्रहमान साहब कह रहे थे, हमें कहते हैं कोई बंदा रांधे है। मुफ्ती साहब जब हम लिखते हैं ना कंट्रीब्यूशन 500 का, मुझे कहते हैं मैं तो उत्तर निकाह पढ़ाने वाले तो जब हम लिखते हैं फ्री में, फिर मुफ्ती साहब ना, आज हमने इनको फंसाया ये समझ लें तो मुफ्ती अजीज़ुर्रहमान साहब बहुत साले इंसान है। मैंने, मुझे पोता हुआ तो मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा मुफ्ती साहब मेरे को पोता जाम के सिटी अस्पताल आ बनो, एक मैं क्या करा मैं के तुस आसान जो कान में आसान, मैं दे सकता था मगर मेरा दिल था ये मेरा दोस्त। अब मेरे दोस्त कोई भी ऐसा नहीं है तो मुझे शर्मिंदगी हो, मुफ्ती साहब का इंतजार हो रहा है, मैं बहू को कह रहा हूँ मेरा पोता हो गया है, मुफ्ती को बुलाया, आम आदमी नहीं, मुफ्ती साहब आ रहे हैं आ रहे हैं, मुफ्ती साहब घंटा ना आए। मैंने फ़ोन किया, आधे गाहक लग गए मुंता दबा मैं कुछ शायद देवड़ी वापस आ गया ऑनलाइन शायद मैं कहा मुतीजा छड़ो, और फिर ये हुआ कि मैंने खुद ही अपने पोते को अजान दी और जो घुट्टी होती है वो लगाई, मुझे हो गई पोती 2-2.5 साल बाद। अब मैं कहा मोमिन एक सुराख में दू वाली मैंने कहा मुफ्ती साहब हाँ जी, मैं कह ये दसो गाहक तक कोई नहीं अल क्यों, मैं कह मेरे को पोतरी जिम्मी आसान निमनी है और अज तू ना है, मैं तेरा और चलूँ
क्योंकि मैं अंदरून शहर में रहता हूँ और मैं कसाईयों की बोली भी आती है। मुफ्ती साहब जब मैंने वो बोली बोली थोड़ी देर बाद सिटी अस्पताल आ गए तो इनके लिए क्लैपिंग कर देगा। फिर राना साहब अब्दुल, ये मेरे, मुझे कमाल मोहब्बत है इनसे, मुझे बहुत मोहब्बत है। इस बदले ने मुझे धक्का दिया है कि जो हम राशन बांटते हैं ना, पहली 60,000 की डोनेशन इन्होंने चीन से भेजी थी, पहली चीन। ये इन्होंने हमें ये राशन वाले काम पे लगाया। गुनाह सवाब भी इनके जिम्मे आएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, राणा साहब बहुत मोहब्बत आपकी और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बरकत दे। इफ्तिखार बुखारी साहब जो हैं वो भी हमसे रुसे रुसे रहते हैं कभी कभी। अब मैंने यही सोचा कि असल में मैंने कुछ, अल्लाह ने मुझे समझ दी मज़र, एक मुफ्ती हो, एक मौलवी हो, एक कुछ सैयद हो, वो बाबा इनकी नौकरी किया गया तो उनका अफसर बन जाता है। तो हम सर आज से आपके नौकर सर। तो अज़र शेख साहब बैठे हैं, वली हैं, नेक आदमी हैं, साले इंसान हैं, थोड़ा सा जज्बाती हो जाते हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा इनसे घबराते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही काइंड बिहेवियर है। मेरे पास जितने लोग हैं ना, अच्छे अच्छे लोग हैं, इनके दिए हुए हैं, इनके दिए हुए हैं। और ये जब जो आइडिया देते हैं मैं उस पर अमल करता हूँ। ये इनका आइडिया है कि आप आते हुए कहानीगर लेते आइएगा, दोस्तों को कहानीगर चाहिए होगी तो आपकी किताब। मैं अभी झेलम गया था, मैं वहाँ भी 100 किताबें, इनका मुझे आइडिया था। हमेशा खैर की बात करते हैं, भलाई की बात, कोई फ़ायदा भी नहीं होता इनको, मुफाद भी नहीं होता, हर जगह कंट्रीब्यूशन देते हैं बाकायदगी के साथ, गुंजाइश हो ना हो, जॉब हो ना हो, खैर के साथ जुड़े हुए, हमेशा जुड़े हुए। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे। सर सर खड़े हो जाएं, दोस्त दूर के भी देख लें। मलिक यूसुफ साहब सही मानों में मुझे अफसर बन के डील करते हैं। ये वो वाहिद हस्ती है, मैं आपको बताएं झूठ तो बोलता नहीं हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। मैं इनके बहुत पीछे भागता हूँ, ये उतना आगे भागते हैं, है ना। जो बेतलब था उसी की मुझे जस्तजू रही, जो मिलने चाहते थे मैं उन्हीं से नहीं मिला। तो मेरी आरजू है कि मलिक साहब में बड़ी पोटेंशियल है। दो अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, एक तो अल्लाह ताला इनकी शादी करवा दे, अहलिया वफात पा गई थी 2022 में, इनकी शादी हो जाए। दूसरी दुआ अल्लाह कबूल करते हैं, भाई ये कहा भी ना करें पता नहीं क्या होता, नहीं अल्लाह सबकी सुनते हैं, कबूल भी करते हैं। दूसरा ये है कि अल्लाह इनको ये हिम्मत और तौफीक दे, ये इर्तका का जो फैमिली सपोर्ट, इनके पास टाइम भी है स्पेस भी है, उसके लिए मुखलिस हो के ना ये इसको संभाल लें। ये आते भी हैं तो उसका फिर जाके जिक्र भी नहीं करते कि हम आज राशन बांट के, और मैं बार बार इन्हें कह के शर्मिंदा भी नहीं करता। तो मैं ये आप सबसे कहता हूँ, जैसे उन्होंने कहा था एक उमर बिन खताब या उमर बिन अशाम में से कोई एक दे दो, तो हम ये कहते हैं इर्तका फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम में अल्लाह इन्हें हमें दे दे। ठीक है इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया। मलिक यूसुफ साहब महकमा नहर में है, अफसर हैं, इनसे ये भी गुजारिश है कि हमें हमारे अफसर ना बना करें, मेहरबानी। इंजीनियर अब्दुल कुदूस साहब बैठे हुए हैं सर, ये मुझे फेसबुक से मिले, डॉक्टर साहब भी मुझे फेसबुक से मिले, डॉक्टर साहब ने मुझे मैसेज किया, मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, और बगैर मिले ही डॉक्टर साहब ने एक डोनेशन भी भेज दी शुरू शुरू में। तो इंजीनियर अब्दुल कुदूस साहब भी अहलिया के हमराह तशरीफ लाए, और मुझे हैरत होती है कि आज मैंने देखा, आज तवज्जो से आज मैंने देखा, वो तो थोड़ी देर की मुलाकात थी, एक ही मुलाकात थी। मैं सोचा यार ये मेरे को वड्डा है या छोटा है, परेशान है, बाल देने मेरे को बड़े बड़े, ये बहुत ही स्मार्ट है, और ये कुदूस साहब आपकी उम्र के हैं तकरीबन इंशाल्लाह। तो ये अच्छा, मुझे इन्होंने वो बात बताई, मुर्तजा खान आपको भी याद आएगी, काम आएगी आपके। मुर्तजा खान के लिए क्लैपिंग कर दें। इस हॉल में, इस होटल में मेरा भाई है ये, हम जब आते हैं ये ऐसे मिलता है जैसे सगे भाई मिलते हैं, और ये जितनी है ये फ्री है आपके लिए बैठने की जगह, खाने का बिल होगा वरना इस हॉल के भी चार्जेस हैं 20-30,000 रुपये होते हैं सर, होते हैं। ये भी इसके लिए, इसके मालकों के लिए भी दुआ कर दीजिएगा, हमारे साथ बड़ा तावन करते हैं ये, इन्हें थोड़े ताड़े श्रृंगला ने मारे। सर अब्दुलरऊफ नफीसी साहब, इन्होंने किसी को बुलाया था चौक आज़म में, प्रेस क्लब की हलफ बरदारी थी, किसी को गेस्ट बुलाया था इन्होंने, तो वो मुल्तान से मिस हुए तो इन्होंने मुझे बुलाया, हमारा तारुफ पहला उसी हवाले से था, नहीं बल्कि इससे पहले इस्लाम अखबार, हाँ मैं लाहौर गया कंपेयरिंग करने के लिए, तो ये ऑलरेडी वहाँ कंपेयर थे, तो हमारा वहाँ तारुफ हुआ। फिर एक दफ़ा इन्होंने मुझे वहाँ बुलाया चौक आज़म में, फिर ये हमारे दोस्त भाई बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरस भी हैं, खतीब भी हैं, और कारोबार भी इतर का और बाकी चीज़ों का करते हैं। तो इनके लिए बहुत दुआएं सर, आपने कभी फरमाया कि हम इन्हीं दुआओं से गए थे जो खैर का काम करते। राना अनवर अली साहब जो हैं ये मेजे छोटा बना के गए हैं, जबकि ये खुद उसी जगह रुक गए हैं, वक्त जैसे रुक गया इनका। हमारी वाकई 1988-99 मुलाकात है जब फूल क्लब था, ये उसके जनरल सेक्रेटरी थे।
इनकी एक बात ना मैं बड़े बड़े अफसरों के सामने बैठ कहता हूँ भी, मेरा एक दोस्त है रानन वाली कतर में है, कहते क्या मैं उसकी खास बात है, क्या वो कहता था पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई काम होता था कोई काम हम करते थे ये, और ये पता क्या कहते हैं ख्वाजा मजहर सिद्दीकी अवार्ड याफ्ता मुस्लिम पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कौमी अवार्ड याफ्ता और ये अगर अब ये जाएंगे तो पोस्ट लगाएंगे तो लिखेंगे बैन अल-अक़वामी मजलिस बैन अल-अक़वामी तो ये अब जब जाएंगे पोस्ट के लगाएंगे फेसबुक पे बैन अल-अक़वामी मजलिस तो ये इनका बड़ा खासा है। मीर उसामा को मैंने फ़ोन किया, एक खातून बहुत बड़ी अफसर ज़िले की, मुझे बताती हैं कि मैं ज़िले में होती थी खाने वाले में तो खामोशी से खातून की मदद करती थी, अब मेरी गुंजाइश भी नहीं, मुल्तान में खर्चा हो गया बहुत सारा तो हमारे पास गुंजाइश नहीं है, मगर जिस खातून की मदद करती थी वो इंतहाई मुस्तकर राना साहब ये आपकी तफसील, मैं इन्हें फ़ोन करता हूँ राना साहब मीर साहब आप खाने वाले में ये खातून है उसका ये एड्रेस है जाके देखें, तो ये जब जाते हैं वहाँ तो ये बजाय हमें बताने के उसको राशन दे के पहुँचा के तो हर महीने पहुँचा रहे, तो ये हमारा काम है। इनको अल्लाह जज़ाए खैर दे, मुतहरक हैं। शफात के बारे में मैंने ये देखें चार सफ़े लिखे हुए हैं, मगर मैं इतना कहूँगा कि शफात मुझे आप अपनी औलाद की तरह अजीज़ हैं, मुझे औलाद की तरह अजीज़ हैं, मैं ये सफ़े पढ़ना भी नहीं चाहता, मैं सफ़े पढ़ना भी नहीं चाहता, मैं यही कहूँगा, यही मेरी गवाही है और मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ हम यहाँ दुनिया में बाप बेटा भाई बन के रहें, इंशाल्लाह आखिरत में भी हम इसी तरह भाई बन के रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबकी आने को कबूल फरमाए। 9:30 बजे का खाना मैंने कहा था, अब ये याद रखें ये इंतज़ामी होती है, मैं घूर के देख रही होती है, इन्होंने भी घर जाना होता है, बेगम को जवाब देना होता है, तो आपका बहुत शुक्रिया।